अरे अरे भाई यार, ये कहीं पलट ना जाए यार। चलते चलते थार रॉक्स का पहिया ही जाम हो गया। महिंद्रा थार रॉक्स एक बार फिर हमारे साथ में, जिसके साथ हम ट्राई करेंगे ऑफ रोडिंग। देखो, इसका ड्राइव रिव्यू आप ऑलरेडी देख चुके होंगे, आई होप आपने देख लिया होगा। आज हम इसको ऑफ रोडिंग ट्रैक पर ले जाएंगे, क्योंकि बहुत लोगों के मन में डाउट है कि क्या नई वाली महिंद्रा थार उतनी कैपेबल नहीं है जितनी की पुरानी थी। आज वो आपका जो डाउट है वो क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। नई थार में ऑफ रोडिंग को लेकर क्या नए फीचर जोड़े गए हैं, अभी उनको भी पहले समझ लेते हैं। देखो, इसमें तीन मोड दिए गए हैं, स्नो, मड एंड सैंड, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मड टेरेन मोड का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा कुछ नए फीचर्स भी जोड़े गए हैं। नया आपको 4x4 सिस्टम देखने को मिलेगा। इसके साथ में जो नए फीचर हैं उसमें आपको इंटेलिजेंट टर्न असिस्ट ये मिलने वाला है। साथ में एक जो नया फीचर है वो है क्राउल स्मार्ट का। ये दोनों फीचर हम आगे जाके ट्राई करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम करने आ गए हैं इस थार के साथ ऑफ रोडिंग का एक्सपीरियंस। यहाँ पर अलग अलग टेरेन बनाए गए हैं, ज़्यादातर मर्ड से रिलेटेड हैं। वहाँ पर हम इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी को चेक करने वाले हैं। हालांकि हम नहीं चलाएंगे, हमारे साथ एक ड्राइवर हैं जो एक एक करके हमें समझाएंगे कि कैसे ट्रैक पे कैसा परफॉर्म ये करती है। तो चलो भाई, हालत तो आपको दिख रही होगी इस गाड़ी की कैसी है, अंदर बैठते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। आर यू कम्फर्टेबल इन हिंदी? तो आप ये बताइए कौन कौन से ट्रैक्स हैं यहाँ पे, क्या क्या एक्सपीरियंस करने वाले हैं? सर, इसमें जो तीन मोड्स अभी नया लगा है, ऑल काइंड ऑफ सैंड मोड, मड मोड एंड स्नो मोड, यू विल एक्सपीरियंसिंग द मड मोड हियर एंड वी हैव फेडल ब्रेकिंग एंड एक्स्ट्रा डिफ्लॉक सिस्टम इन दिस व्हीकल, सो वी आर एक्सपीरियंसिंग दैट एंड क्राउलिंग ऑप्शन इज ऑल्सो अ न्यू एडिशनल टू दैट। सो दीज थ्री थिंग्स विल बी अभी हम लोग एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप कैमरे पे देख रहे होंगे कि बाहर के हालात कितने गंभीर हैं भाई, तो बहुत ज़्यादा कीचड़ है यहाँ पर। सो यहाँ पर हमने मड लगाया। सर, हम क्या 4x4 लगा के अभी 4x4 लो में है, लो में है अभी, विदाउट फेडल ब्रेकिंग आपको मैं घुमा के देख रहा हूँ। और फिर फेडल ब्रेकिंग के साथ? हाँ, अभी विदाउट ये फेडल ब्रेकिंग ऑफ है, अभी अभी ऑफ है। तो देखते हैं कितनी आसानी से घूमती है। ओके, अभी कौन से बाहर से जा रहे हैं हम लोग? बिल्कुल, कौन से बाहर से जा रहे हैं भाई, बहुत ही आराम से निकल रही है विदाउट फेडल ब्रेकिंग। ये विदाउट था, विद करेंगे, अभी विद करेंगे। कूल, तो अभी फिडल ब्रेकिंग लॉक हो गया है, इधर आपको सिंबल दिख रहा है। हाँ हाँ, जो फिडल ब्रेकिंग का ये ग्रीन वाला, ग्रीन वाला। ओके, तो अभी मैं फिडल ब्रेकिंग लॉक है इसमें, ठीक है? ठीक है। तो व्हेनेवर आई टर्न द व्हील टू राइट, तो ओ वाओ, हम लोग कौन से बाहर से निकल रहे थे, अभी कौन का अंदर ही घूम रहा है गाड़ी। राइट राइट, अभी मैं लेफ्ट टर्न करने वाला हूँ विद सेम मोड पे, यानी जिधर का आप टर्न लेंगे उधर के व्हील ऑलमोस्ट लॉक हो जाएंगे। हाँ, आप पीछे का व्हील देख सकते हो, उधर लॉक है वो पीछे से। वाओ, वाओ। मैं आपको सिंपल भाषा में इंटेली टर्न असिस्ट के बारे में बताता हूँ। ये जो फीचर है ये टाइट स्पॉट में, यानी छोटी जगह में अगर आपको टर्न लेना है उसमें काफी काम आता है। अब ये फीचर क्या करता है कि जिस तरफ आपको टर्न लेना है उसी साइड का रियर व्हील लॉक हो जाता है, जिस तरह से आपने ट्रैक्टर वगैरह में देखा होगा। व्हील लॉक होने की वजह से जो गाड़ी है वो बहुत छोटी जगह में घूम जाती है। बाप रे, सामने देखो, अरे 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 अरे, बहुत ऊपर उठ गई यार। ऑफ रोडिंग का जो कहूँ तो नंगा नाच हो रहा है यहाँ पे। अभी ये हम लोग डिफ्लोक अप्लाई करके इसको हम लोग अभी जा रहे हैं नेक्स्ट टेरेन में। वही हमारा गाड़ी भी वैसे आर्टिकुलेशन में रहेगा। अच्छा, तो हम लोग जब करने वाले जब व्हील एयर में रहेगा ना, तो डिफ्लोक का काम आएगा। सर, कैन आई गो आउटसाइड? या या, व्हाई नॉट, लॉक डिफरेंशियल ऑन हो गया है लाइट। हां ओके 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 ओके, कर रहा हूँ सिर्फ स्टेयरिंग पकड़ के जा रहा हूँ बस। थोड़ा एक्सलेशन चाहिए तो इधर उधर स्टेयरिंग घुमा के आपको दे सकते हैं। बहुत बहुत ज्यादा ऊपर आ रही है, इसमें आपको दिख रहा है क्या हो रहा है ऊपर से भी और नीचे से भी। राइट 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 राइट, लेफ्ट डोर ओपन, एक डोर खुला रह गया हमारा। पर गाड़ी जो है बहुत ही ज्यादा कैपेबल है भाई, बाहर से व्हील उठ रहे हैं, कभी इधर का, कभी लेफ्ट का, कभी राइट का। तो ये जो डिफरेंशियल लॉक वाला सिस्टम है ये क्या काम करता है ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हम कीचड़ में हैं तो ऐसा सिचुएशन किसी के भी साथ आ जाती है कि दो में से कोई एक व्हील स्लिप कर रहा है, तो ये क्या करती है गाड़ी कि जो स्लिप कर रहा है ना वो दूसरे की पावर भी उस व्हील को दे देती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? हाँ सर, बराबर, बिल्कुल बिल्कुल। तो दो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस कर ली हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं सर? अभी हम लोग इंक्लाइन जा रहे हैं, इंक्लाइन जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं और वाटर डिप है।
ओके और ये व्हीकल क्या क्या कर सकते हैं ना वो पूरा का पूरा हम लोगों ने इधर डिजाइन करके रखा है, तो आप लोगों को सभी तरह का एक्सपीरियंस हो जाएगा। ओके व्हाट इज ऑल दिस व्हीकल कैन डू। अभी हम जा रहे हैं ढलान पे, ऊपर चढ़ रहे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो गाड़ी भाई पूरा ढलान पे, यहाँ देखो आप बीच में अटके हुए हैं और इसमें ऑटो होल्ड का फीचर भी काफी सपोर्ट करता है, काफी सपोर्ट करता है। और ये देखो कमाल, ओ हो 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 उधर में स्टीयरिंग आपको खाली सीधा रखना है। हाँ, बस और यहाँ पर आप धीरे धीरे खुद ही चली जाएगी गाड़ी, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, देखो आई एम जस्ट लिविंग द स्टीयरिंग ऑल द ब्रेकिंग्स एवरीथिंग, कुछ भी नहीं। क्या हमने वाला फीचर एक्टिवेट कर दिया क्रॉलिंग वाला? अभी आने में किया था मैंने, ऊपर आने में। उसके लिए कोई स्विच है? हाँ, इधर स्विच है, क्रॉलिंग स्विच है, वो आपको क्रॉलिंग स्विच बना सकते हैं। अभी फिर से दिखाता हूँ क्रॉलिंग स्विच आपको। ठीक है ठीक है। अभी हम लोग वाटर डिप में जा रहे हैं, वाटर डिप है इधर भी। हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट गियर लो में डाल के छोड़ देते हैं व्हीकल को, सिर्फ स्टीयरिंग को कंट्रोल करेंगे जो आसानी से निकल जाएगा। अब सिंपल भाषा में समझते हैं कि क्राउल कंट्रोल यानी क्राउल स्मार्ट फीचर क्या काम करता है। ये फीचर को आप समझ सकते हैं कि ये ऑफ रोडिंग का क्रूज कंट्रोल है, यानी लो स्पीड पर काम करने वाला क्रूज कंट्रोल। ये जो फीचर है आपको जो ऑब्स्टेकल हैं या किसी खराब रास्ते पर आप फंस गए हैं वहाँ पर आपके काम आने वाला है। आपको सिंपली एक बटन दबा देना है, उसके बाद गाड़ी जो है खुद कोशिश करेगी बाहर निकलने की, ब्रेकिंग और एक्सीलरेशन खुद करने वाली है, आपको बस स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है। आपको बता दूं थार रॉक्स में आपको 650 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी दी गई है, जिसकी वजह से पानी भरे रास्ते पर इसको आसानी से निकलने में कोई परेशानी नहीं होने वाली। ऐसे रास्तों पे ये निकल रही है जहां पर जल्दी से ट्रैक्टर भी निकलने में परेशानी कर दे। ओके भाई, अब हम आर्टिकुलेशन एक्सपीरियंस करने वाले हैं। सर इसमें अभी मैं क्रॉलिंग ऑलरेडी डाल चुका हूं। क्रॉलिंग आप डाल चुके हैं, खुद ही चलती जाएगी, चली जाएगी, चल रहा है, देखो कुछ नहीं कर रहा हूं, सिर्फ स्टीयरिंग कंट्रोल कर रहा हूं बस। ओ ओ ओ भाई, आज पूरी गाड़ी टेढ़ी हो गई है भाई। इधर देखिए, यहां देखो आप, पूरी गाड़ी टेढ़ी हो गई है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ स्टीयरिंग संभालना है। अभी क्रॉलिंग मोड में है, अभी थ्री डोर में नहीं था ये? नहीं, थ्री डोर में क्रॉलिंग मोड नहीं था। वाओ, फिर से टायर ऊपर नीचे होने वाले हैं भाई। हाँ, ये आर्टिकुलेशन, ओह माय गॉड, ओ भाई, बिल्कुल घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। आपको कहीं ऐसा फील होगा कि यार कहीं गाड़ी पलट तो नहीं आएगी, बट ये इतने कैपेबल है कि कुछ इसका बिगड़ने नहीं वाला, बहुत ही बढ़िया। तो भाई ये था हमारा ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस, जिसमें सारे जितने भी टेरेन थे, जितने भी ऑब्स्टेकल थे, सबको इजीली इस गाड़ी ने पार कर दिया। कहीं भी एक सेकंड के लिए भी हमें ये नहीं लगा कि हाँ गाड़ी फंस गई है या गाड़ी कुछ कर नहीं पा रही है, हर जगह पर इजीली निकल गई है। अगर आप एक्सपर्ट ड्राइवर नहीं हैं तब भी इसमें जो नए फीचर्स एड ऑन किए गए हैं वो आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। अगर आप किसी बुरी मुश्किल वाली सड़क पर फंस जाते हैं, कहीं पहाड़ों पे फंस जाते हैं, कहीं कीचड़ में फंस जाते हैं, तो इजीली ये गाड़ी निकल जाएगी। यानी ऑफ रोडिंग के मामले में ये कहीं भी आपको ये फील नहीं होगा कि थ्री डोर से कम है, इनफैक्ट ये थोड़ी बेटर ही कर दी गई है।